दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 4 जून यानी कल चुनाव नतीजे भी घोषित होने के साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे इस बार भी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर एग्जिट पोल चुनावी नतीजों में तब्दील होते हैं तो नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे। कल जारी होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले भारतीय शेयर बाजार में एक दिन पहले यानी आज बंपर बढ़त देखने को मिली है। जैसा कि सुबह 9 बजे प्री ओपनिंग सेशन से पता चलता है, निफ्टी इंडेक्स में 1000 अंकों की उछाल आई जबकि सेंसेक्स में 2621 अंकों की उछाल आई है। एग्जिट पोल में एनडीए सरकार की प्रचंड वापसी के संकेत मिल रहे हैं, इसका असर शेयर बाजार पर भी दिखा है। शेयर बाजार में भारी उछाल दिखाई दिया, रिकॉर्ड तेजी के साथ शेयर मार्केट खुले हैं। प्री ओपनिंग सेशन में बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी की दमदार शुरुआत हुई। इस दौरान सेंसेक्स में 2622 अंक की तेजी के साथ 76583 पर पहुंच गया जबकि निफ्टी में 807 अंक की बढ़ोतरी के साथ 23338 पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते भी शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिला था। पिछले शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स मामूली 76 अंक की उछाल के साथ 73961.31 के लेवल पर क्लोज हुआ था जबकि निफ्टी 42 अंक की तेजी के साथ 22530.70 के लेवल पर बंद हुआ था। सेंसेक्स और निफ्टी ने अपना नया ऑल टाइम हाई लेवल छू लिया था। शेयर मार्केट खुलते ही बीएसई के सभी 30 शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला। लार्ज कैप में पावर ग्रिड शेयर में 5.44%, एनटीपीसी में 5.21% और एलटी शेयर में 4.38% की उछाल देखने को मिली। मिड कैप में आरईसी लिमिटेड में 7.50% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयर में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली। ग्रुप के सभी शेयरों में करीब 15% की तेजी देखी गई है। एग्जिट पोल के मुताबिक देश में एनडीए सरकार की जबरदस्त वापसी हो रही है। कई रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल सकती हैं जबकि इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 8 से 9 सीटें जा सकती हैं। इसी तरह से सी वोटर के मुताबिक एनडीए के खाते में 353 से 383 सीटें जा सकती हैं जबकि इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 4 से 12 सीट मिलने का अनुमान है। फिलहाल एक दिन का और इंतजार और परिणाम सबके सामने होंगे।